द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेव्स ऑन ब्लॉक. ठीक है चलो नेक्स्ट ये ट्राई करो. देखो ये क्या कहता है कि एक कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है. एक टेबल पे एक ब्लॉक और वेज ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पे, वहाँ पर कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है और ब्लॉक 2 kg का है, ब्लॉक 2 kg का है और 0.5% म्यू है एंड द टेबल एंड फिगर 0.2 ये इस फिगर में दिखाया गया है. व्हाट विल द मैक्सिमम मास बी शुड द टू ब्लॉक डू नॉट मूव. इसका मैक्सिमम मास कितना हो जिससे ये ब्लॉक मूव नहीं करे. स्ट्रिंग एंड पुली सब कुछ मासलेस है, समझना इस क्वेश्चन को, है ना. ये क्वेश्चन आसान है, थियोरी में समझाया जाता है, थ्योरेटिकल में आता है. अगर यहाँ से एक पुली है और ये मास है, अब यहाँ पे एक मैंने एक मास रखा, ये मास रखा, ठीक है. दिस मास इज अटैच विद दिस, ठीक है. अब यहाँ, अब अगर इमेजिंग करो कि ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ से जो टेंशन है, टेंशन लगेगा, टेंशन तो लगेगा ही. अगर इसके पास छोटा सा भी छोटा मास हो, ये खींचा हुआ चला जाएगा, ठीक है भाई. यहाँ पे हाथी रखो चाहे चींटी भी रख दो, तभी भी ये छोटा सा भी 1 kg मास, आधा kg मास भी खींच लेगा. मतलब एक चींटी जो है, एंट है, वो यहाँ हाथी को खींच लेगी. अगर ये एंट है और अगर ये एलिफेंट है, तो एक एलिफेंट हाथी को खींच लेगी भाई. द मैकेनिक्स, हाथी को यहाँ रख दूँ, एंट को यहाँ रख दूँ, ठीक है ना, है ना भाई. अगर थ्योरेटिकल लाइफ में पूछोगे कि क्या कोई चींटी हाथी को खींच सकती है, तो साइंटिस्ट फिजिक्स वाला बोलेगा हाँ खींच सकती है, क्यों नहीं, यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है. ये सरफेस स्मूथ कर दो और यहाँ एंट रख दो, ठीक है, और यहाँ एक हाथी रख दो, ठीक है, और वो हाथी एक्सेलरेट हो जाएगी, उसको चींटी भी खींच सकती है. बट यहाँ दिक्कत ये है, ठीक है, कि ये सरफेस स्मूथ है ही नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इसको इधर रोकेगा. अब जब फ्रिक्शन रोकेगा तो इस मास के पे एक लिमिट आ गई यार, ठीक है भाई. मास अगर कम होगा तो ये ब्लॉक फ्रिक्शन टेंशन को बैलेंस कर लेगा. जैसे जैसे मैं मास बढ़ाऊंगा तो टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी. एक ऐसा समय आ जाएगा कि टेंशन फ्रिक्शन से अधिक हो जाएगा और ये ब्लॉक इधर एक्सेलरेट हो जाएगा. अब लिमिट आ गया फ्रिक्शन के आने से, तो हमें वही मैक्सिमम मास निकालना है, ठीक है, वही हमें मास निकालना है, ठीक है, जिससे वो मतलब एक्सेलरेट हो जाए. क्लियर है. चलो अब आप इक्वेशन बनाओ और इसको सॉल्व करो. इस पे लगा एम जी, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम है, और टेंशन टी लगा, तो फर्स्ट इक्वेशन टेंशन टी एम जी के इक्वल हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है. चलो अब कहता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए मास 2 kg, इसका मास दिया हुआ है 2 kg, इसके लिए इक्वेशन लिखो. तो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो इक्विलिब्रियम में, हाँ, हमें इक्विलिब्रियम मान के चलना है, मैक्सिमम मास निकालना है, तो हमें इस मास की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इक्विलिब्रियम देखना है. तो टेंशन जब तक मूव नहीं करेगा जब तक टेंशन फ्रिक्शन के बराबर होगा, जब अब तक टेंशन फ्रिक्शन के बराबर होगा तब तक मोशन नहीं होगा. और यहाँ टेंशन की वैल्यू एम जी के बराबर है और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, और म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, एम जी. और यहाँ पर इसके लिए जो मास है वो 220 म्यू के इक्वल हो जाएगा, 20 म्यू के इक्वल हो जाएगा, और एम जी, तो ये एम जी इज इक्वल टू 2 म्यू जी, तो जी ने जी को ख़त्म कर दिया, तो इस मास की वैल्यू 2 times म्यू आ गई. तो 2 और 0.2 मतलब 0.4 kg तो होना ही चाहिए, म्यू टाइम्स 0.4 kg, ठीक है, आया समझ में. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. चलो, ए मैन